फतेहाबाद में उस वक्त बिजली मंत्री रंजीत सिंह चौटाला को शर्मसार होना पड़ गया जब कार्यक्रम में अचानक बत्ती गुल हो गई। अचानक बिजली जाने के बाद कार्यक्रम में अंधेरा छा गया और इस दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल खुद वर्चुअली कार्यक्रम से जुड़े हुए थे। अचानक बत्ती गुल होने के बाद अधिकारियों में हड़कंप मच गया। अधिकारी काफी देर तक बिजली ठीक करने की कोशिश करते रहे, लेकिन कामयाबी ना मिलने पर काफी देर तक बिजली मंत्री और अन्य अधिकारियों को मोबाइल की लाइट में बैठना पड़ा। हो गया एक मिनट, अब जब सिनेमा देखते थे बढ़िया, फिल्म देखते थे बढ़िया, गाना आता था चली जाती, हल्ला मचता था, और जब आ जाती तो सीटियां मिलती थी। ये एक आपको जिसका जितना पॉजिटिव था उतने उसका नेगेटिव होता है, चली जाती है, तो एक फाग है ऐसी चीजें, कहीं भी कुछ ट्रिप डाउन हो जाता है। अक्सर ये देखा जाता है कि बड़े नेताओं और मंत्रियों के कार्यक्रम में जब अचानक बत्ती गुल हो जाती है तो नेताओं के चेहरे पर गुस्सा साफ साफ नजर आता है और कई बार तो अधिकारियों को लताड़ भी लग जाती है। लेकिन यहाँ बिजली मंत्री रंजीत सिंह चौटाला ने बत्ती गुल होने के बावजूद भी कोई गुस्सा नहीं जताया, बल्कि उन्होंने कहा कि तकनीकी खराबी के चलते बिजली चली गई थी जिसे कर्मचारियों ने ठीक कर दिया। बता दें कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल आज पंचकुला से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए फतेहाबाद में विकास कार्यों का उद्घाटन किया। इसी सिलसिले में बिजली मंत्री फतेहाबाद के कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे थे, लेकिन इस कार्यक्रम में बत्ती गुल होने से उन्हें शर्मसार होना पड़ा। फतेहाबाद से रमेश भट्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।